आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नोएडा में इंटरनेशनल जेवर हवाई अड्डे पर पहुंचे सीएम योगी। सीएम ने हवाई अड्डे के निर्माण का किया निरीक्षण। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे प्रयागराज सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का हुआ निधन कल नरसिंहपुर पर। परमहंसी गंगा आश्रम में दी जाएगी समाधि। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा का दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन। कांग्रेस में नहीं थम रहा इस्तीफों का दौर। अब असम के प्रदेश महासचिव कमरुल इस्लाम ने छोड़ी पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। अलीगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें, मोहन भागवत के जन्मदिन पर विशेष संघ विचारक के कार्यकर्ताओं ने शहर की प्रसिद्ध वर्ची बहादुर दरगाह पर चादरपोशी की और RSS प्रमुख की लंबी उम्र की दुआ भी मांगी। वहीं चादरपोशी के बाद विशेष समुदाय ने मिष्ठान वितरित किया गया। डॉक्टर मोहनराव भागवत जी का आज 72वां जन्मदिवस था, उसके उपलक्ष्य में मुस्लिम यूथ एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने दरगाह बर्ची बहादुर पर चादर चढ़ाई और उनकी दीर्घायु की कामना की है, क्योंकि वो अभी तक के जितने भी संघ के सरसंचालक रहे उसमें अधिक कामयाब हुए अल्पसंख्यकों में अपनी बात रखने के लिए और मुसलमानों के विकास के लिए गंभीर सोच रखते हैं। इसलिए मुस्लिम यूथ एसोसिएशन पिछले 7 सालों से लगातार उनके जन्मदिवस पर चादर चढ़ाता है और मिष्ठान वितरित करता है। सीतापुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सचिन मिश्र की अध्यक्षता में भाजपा प्रमुख मुख्यालय सेवा पखवाड़ा में कार्यक्रम को लेकर बैठक की गई। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भी शामिल है। आपको बता दें कि जिला मीडिया प्रभारी ने बताया कि युवा मोर्चा में PM मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। वहीं रक्तदान के लिए कई स्थानों पर कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें जनपद के लगभग 2000 लोग रक्तदान करेंगे। इस कार्यक्रम में जिला महामंत्री और जिला उपाध्यक्ष समेत कई जिला के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। आज हम लोगों की जिला बैठक थी, जिसमें कि राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा तय किया गया कि प्रत्येक जिले पे 17 सितंबर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस से लेकर गांधी जी के जन्मदिवस तक हम लोग कार्यक्रम मनाएंगे, जिसमें युवा मोर्चा बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में सहयोग कर रहा है। 17 सितंबर को एक बहुत ही बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है सीतापुर में, जिसमें कि 3 जगह ब्लड डोनेशन कैंप लगेगा। एक जिला अस्पताल सीतापुर, एक सिधौली CSC और तीसरा हमारा बिस्वा CSC, जिसमें युवा मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ता वहां पे अपनी सहभागिता दर्ज कराएंगे। जितनी सीतापुर की ब्लड बैंक की क्षमता है उसको पूरा फुलफिल करने का हम लोग काम करेंगे। खबर चंदौली से, जहां सदर ब्लॉक में 10 जून का मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ। वहीं शादी संपन्न होने के बाद समाज कल्याण के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। बता दें, इस समारोह में DM भाजपा विधायक बतौर अतिथि शामिल हुए थे। साथ ही लाभार्थी गांव वालों ने शादी में हुई अनियमितताओं को देखते हुए समाज कल्याण ADO के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, जहाँ रविवार को अवकाश होने के बाद भी उप निदेशक समाज कल्याण ने शिकायत दर्ज कर जाँच के आदेश दिए। सामान मिल गया, पैसा खाता पे भी नहीं। किन का सामान? लड़की का जो मिला था शादी की। लड़की की शादी कराए थे ब्लॉक में? कहाँ कराए थे? शादी में क्या क्या सामान मिला था? पेटी था, पायल था, बर्तन था, साड़ी था। पेटी था पाला। और जो खाते में पैसे आता है वो भी नहीं आया। अभी नहीं आया है। इसके बारे में आपसे अधिकारियों से बात हुई? नहीं। 10 जून को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शादी हुई जी, इसमें सदर ब्लॉक में कुछ शिकायतें मिली हैं, कुछ लोगों को सामान उपलब्ध नहीं हुआ जी, तो लोगों को मैं भी बयान लिया हूँ, लेकिन मैं किसी निष्कर्ष पर भी नहीं पहुँच पाया जी। निष्कर्ष पर मैं पहुँचूंगा, जाँच आख्या मैं भेज दूंगा, उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगी सत्यता क्या है। क्या है मामला? पूरा पैसा मिल गया है, पाल बिछिया नहीं मिली है। तो इसके बारे में अभी जांच अधिकारी आए थे, इससे बात हुई, आपने बताए तो क्या बोले? मिल जाएगा। कितना दिन में मिलेगा?
खबर हरदोई से है, जहां अखिल भारतीय अर्कवंशी क्षत्रिय महासभा के नेतृत्व में भवन खेड़ा गांव में अर्कवंशी क्षत्रिय बंधुओं की बैठक आयोजित की गई। वहीं इस बैठक के माध्यम से अर्कवंशी समाज ने एकजुट कर समाज में शिक्षा, सामाजिक स्तर, देश की राजनीति में भागीदारी करने का आह्वान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा समाज आज़ादी के इतने वर्ष बीतने के बाद भी पिछड़ा हुआ है। साथ ही भारी संख्या में अर्कवंशी समाज ने बैठक में भाग लिया। भारतीय अर्कवंशी क्षत्रिय महासंघ ट्रस्ट भारत के तत्वाधान में सामाजिक बैठक का आयोजन किया गया ग्राम भवन खेड़ा इब्राहिमपुर में। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य समाज को संगठित करना, समाज में हमारे नौजवान बच्चे शिक्षित कैसे हों, वो डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, सिपाही, दरोगा, आईएएस, पीसीएस कैसे बने, इस बात को लेकर अखिल भारतीय अर्कवंशी क्षत्रिय महासंघ ट्रस्ट भारत गांव-गांव अभियान चलाकर लोगों को संगठित करने का काम करता है। खबर शाहजहांपुर से, जहां जेल में बंद बंदियों ने तनाव मुक्त शरीर स्वास्थ्य रखने के उद्देश्य से जेल के अंदर कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन जेल प्रशासन करता रहता है। बता दें कि योगी सरकार में यूपी की जेलों में काफी सुधार देखने को मिल रहे हैं। वहीं आज जेलों के अधिकारी कैदियों को क्रिकेट मैच खेलते देखा जा सकता है। साथ ही जेल अधीक्षक ने बताया कि बंदियों को मानसिक तनाव से बचाने के लिए क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। कारागार में निरुद्ध बंदियों के बीच सहन शक्ति, भाईचारा और खेल भावना विकसित करने के लिए तथा उनके अंदर से तनाव अवसाद को कम करने तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए कारागार में जेल प्रीमियर लीग प्रारंभ किया गया है। खबर सुल्तानपुर से, जहां उत्तर प्रदेश प्रादेशिक प्रजापति जागृति समिति के बैनर तले प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इसमें नए चयनित अधिकारियों, कर्मचारियों व मेघावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में पूर्व उपायुक्त, परिवहन विभाग, अपर जिला जज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। साथ ही मेघावी छात्रों को चयनित अधिकारियों को बधाई देते हुए उन्होंने स्वर्णिम भविष्य की प्रार्थना भी की। हमारे समाज के जो बच्चे 70% एवव होते हैं हाई स्कूल इंटर के, उनको सम्मानित करते हैं। और जो समाज के नवचयनित अधिकारी एवं कर्मचारी PCS, IAS, डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य पदों पे, अन्य विभागों में चयनित होते हैं, उनको हम लोग सम्मानित करवाते हैं। जो समाज के पुराने हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो पहले से ही चयनित हैं, और उन सभी अधिकारियों कर्मचारियों से हम जो हाई स्कूल इंटर के बच्चे हैं उनसे उनको मार्गदर्शन दिलाते हैं। बहुत सारे बच्चों में ये समस्याएँ होती हैं, हम गरीब हैं, हमारी सुविधा नहीं है, ये है, बहुत तरह तरह की समस्याएं होती हैं। तो वो जो अधिकारी या जो भी लोग आते हैं चयनित, वो बताते हैं कि हमारे साथ भी ऐसी समस्याएं हुई थी, हम किस तरह से उन समस्याओं से निदान पाते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त किया है। खबर अलीगढ़ से, जहां अराजक तत्वों ने बाबा साहब की प्रतिमा तोड़कर इलाके का माहौल खराब करने की कोशिश की। बता दें कि ग्रामीण सुबह पार्क में टहलने गए थे, जहां मूर्ति को टूटा देख ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। वहीं घटना की पूरी जानकारी पुलिस प्रशासन को देकर जल्द नई मूर्ति लगवाने की मांग की गई है। साथ ही आला अधिकारी समेत कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। इस दौरान बसपा नेता ने घटनास्थल का निरीक्षण कर उच्च स्तरीय जाँच की मांग की। सुल्तानपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि बाइक सवार दो बदमाशों ने जेवर देखने के बहाने जेवरात निकलवाए और उसके बाद सामान छीनकर फरार हो गए। वहीं लबुआ में भी जेवर को साफ कराने के बहाने दो युवकों ने महिला को चोरों ने अपना शिकार बना डाला और जेवरात लेकर भाग गए, जिसके बाद दोनों मामलों की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। दो आदमी आए, एक चौक घंटाघर की तरफ टहल रहा था, एक आदमी अंदर आया, हम अंदर से सामान निकाल रहे थे, उसने झपट्टा मारा, उसमें पांच छह झाले लेके चला गया। पीछे हमने अपने कर्मचारी को भेजा, उसने उसको धक्का दे दिया। वो मोबाइल, उसका नंबर, मोटरसाइकिल का नंबर नोट करके आया, फिर यहाँ नोट किया उसने, उसके वैसे पता ही नहीं चला वो किस तरफ चले गए। वो दो युवक हमारी शॉप पे है, हमारा कर्मचारी दुकान साफ कर रहा था, तो उसमें से एक युवक ने कहा कि हम दो तीन दिन पहले एक सामान लेके गए थे, वही चाहिए था, बहुत अर्जेंट है। हमारी माता जी शीशे के अंदर बैठी थी, उन्होंने कहा भैया मंडे को मिलेगा, उसने कहा नहीं माता जी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। तब मेरी माता जी ने उसके दुख को समझा, उसको सामान दिखाने लगी,
जैसे ही सामान उसको ट्रे में निकाल के दिखाने लगे वैसे ही उसमें से एक युवक जो अंदर था जिसकी उम्र 40 साल की नियर अबाउट थी उसने झपट्टा मार के 4 जोड़ा धागा लेके वो भाग गया। खबर रामपुर से है जहां तहसील टांडा पुलिस ने सघन चेकिंग करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बता दें कि दोनों बदमाशों ने पुलिस को देख मौके से फरार हो गए। वहीं बदमाशों के पीछा करने पर पुलिस पर फायरिंग करने लगे। साथ ही पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों बदमाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि बदमाशों के पास से अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस, एक बाइक बरामद की गई है। टांडा पुलिस द्वारा प्राणपुर पुल पर चेकिंग की जा रही थी तभी रामपुर की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर 2 लड़के जाते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रोकने का इशारा किया गया लेकिन वो मुड़कर भागने लगे और पुलिस द्वारा पीछा करने पर पुलिस पर फायर करने लगे। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया और दूसरा को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। जो मोटरसाइकिल थी वो भी बरामद कर ली। बदमाशों के पास से 2 तमंचे बरामद हुए हैं, 5 जिंदा कारतूस हैं। कुशीनगर के बेलवा घाट गांव में सिरफिरे आशिक ने महिला पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। आपको बता दें कि महिला के साथ ही सिरफिरे ने खुद का भी गला रेत दिया। इसके बाद सिरफिरे ने एक तरफा प्रेम प्रसंग के में पागल युवक ने शादीशुदा महिला के घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। इसके घटना के बाद गाँव में सनसनी फैल गई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को जिला अस्पताल में भेज दिया। पुलिस जाँच में जुट गई है। थाना नेबुआ नौरंगिया के अंतर्गत बेलवा घाट नामक स्थान पर पुलिस को आज ये सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक के द्वारा एक युवती को चाकू मारकर घायल कर दिया गया है और उसके पश्चात स्वयं को भी चाकू से घायल कर लिया गया है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। प्रारंभिक जाँच में ये तथ्य सामने आया है कि एक युवक जिसका नाम जुमराती पुत्र मुस्तफा है, उसका गाँव की ही एक महिला जिसका नाम मरजानी था, उसके साथ प्रेम संबंध था और इसी संबंध में विवाद की स्थिति होने पर उसने उस युवती को चाकू मारकर घायल किया और उसके बाद खुदकुशी का प्रयास करते हुए स्वयं को भी चाकू मार लिया गया है। दोनों घायलों को घायल अवस्था में उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है और वहां से उनको गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। प्रकरण में सभी तथ्यों की जाँच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर मैनपुरी से जहाँ ग्राम पंचायत दौदापुर में दिख रहा गंदगी का अंबार। वहीं खाली प्लाट में मालिक घर की सारी गंदगी प्लाट में डाल देते हैं जिससे पूरे इलाके में गंदगी का माहौल है। साथ ही आरोपी प्लाट मालिक गली वालों से मारपीट, गाली गलौज तक उतर आता है। बता दें कि प्राइम टीवी की टीम ने गांव पहुंचकर पूरी घटना का जायजा लिया। गंदगी राती घूरे कीड़ा घर में जात, इतनी बीमारी फैली है। किसका कूड़ा है ये? उनको है राजवाद, उनसे कहा नहीं तूने कभी? उनकी घर हमारी जगह पर कूड़ा पत्थर है, गंदगी है। किसका कूड़ा है ये? श्रीराज वादर सिंह। या उनसे कहा नहीं? कभी कहेगा क्या कहा उन्होंने? मेरी जगह आबादी की जहाँ जगह होती है वहाँ पर कूड़ा डालने का कोई औचित्य नहीं होता है। और हमारी भी संज्ञान में ये बात है, कुछ लोग अपने दरवाजों के पास जो है अपनी जगह है जो कि आबादी है वहाँ पर कूड़ा डालते हैं। हमने कई लोगों से मना भी किया तो कुछ लोगों का हटा लिया, कुछ लोगों का हम अभी आलू फालू की सीजन होगी उसमें हटा लेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।